हाँ जी दोस्तों, 14 फरवरी तो निकल गई, बट शिवरात्रि अभी बाकी है। अब तो अपनी रियल ट्विन को पहचान लीजिए। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं अपने रियल ट्विन को कंफर्म करने में। उनकी लाइफ में 1, 2, 3 भी लोग होते हैं और वो कंफ्यूज होते रहते हैं, ये मेरा ट्विन है, वो मेरा ट्विन है। तो देखिए, आपने ज़िंदगी के बड़े बड़े टेस्ट दिए होंगे। सबसे ज़्यादा टफ टेस्ट होता है ट्विन जर्नी में। आपको लिटरली, मतलब आपको कितना भी कन्फर्म्ड है अपने दिमाग में कि हाँ बस यही मेरा ट्विन है, बट फिर भी आखिरी आखिरी तक भी आपसे आपको मैनिपुलेट किया जाता है। कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसे सोलमेट आते हैं, बिल्कुल इतना इतना ज़्यादा आपको प्यार करने वाले या आपकी केयर करने वाले या सपोर्ट करने वाले, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये तो मेरा ट्विन नहीं है, क्या ये तो बहुत ही मामूली सा टेस्ट है। ऐसे भी सोलमेट्स आते हैं, ऐसे भी बहरूपिए आते हैं, मैं सोलमेट्स भी नहीं बोलूँगी, जो कि आपकी बात को, इतनी टेलीपैथी आपकी स्ट्रांग होती है उनके साथ भी कि आपको लगता है कि कहीं ये तो नहीं मेरा ट्विन फ्लेम है, ये भी नहीं है। उससे ज़्यादा ऐसे बहरूपिए आपको टेस्ट पे भेजे जाते हैं कि आपका फर्स्ट आई कांटेक्ट बड़ा ही ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग, इंटेंस, आपका आपके टच में भी आपको वो करंट वाली फीलिंग होगी, या मे बी आप लोग जो आप सोच रहे हो उन्हें तुरंत वही उन्होंने बोल दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको ट्विन फ्लेम जैसे मिलेंगे। और सच कहो तो ये सबसे टफ टेस्ट होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ गया कि सारे सिम्टम्स आपके ट्विन फ्लेम्स के मैच कर रहे हैं, आपकी बातें, आपकी जैसे शौक, आपकी जैसी हैबिट, आपकी बातों को समझ लेना और साथ में पैम्पर भी करना, तो इस सिचुएशन में तो कोई भी इजीली मैनिपुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इस टेस्ट में जो पास हो गया उसकी तो सोल मर्ज एंड उसकी यूनियन तो होनी ही होनी है। तो क्या है इस टेस्ट में जो हमको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है? ट्रू, आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि नहीं, जिसको मैं डील कर रही हूँ वही मेरा ट्विन है, दैट्स इट। सिर्फ आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही आपको हेल्प कर सकता है, इस मैनिपुलेशन से बाहर निकल सकता है। अगर एक टाइम तक आपने कंटिन्यूसली बिलीव किया कि नहीं, चाहे जितना ही मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है, मैं अपने रियल ट्विन को ही रियल ट्विन मानूंगी, तो फिर धीरे धीरे ये जो सोलमेट्स दिखते हैं ना, वो उनकी एनर्जी चेंज होने लगती है, दे स्टार्टेड लाइक ट्रबलिंग यू, फिर वो अपनी असलियत में आते हैं, फिर वो आपको ट्रिगर भी करते हैं, और फिर वो आपको इस प्रकार से डार्क एनर्जीज की तरह आपको लाइक बहुत ट्रिगर करेंगे, और फिर उनकी असलियत सामने आती है, यस आप सिर्फ टेस्ट ले रहे थे। तो छोटी सी एक बात थी जो मुझे आप लोगों को कम्युनिटी में अवेयर करना ज़रूरी था कि अब अपने रियल ट्विन फ्लेम को आप पहचान लीजिए। आगे एक डीएफ है जिसको हम सुनेंगे उनकी जर्नी के बारे में, वो भी बहुत सारी मैनिपुलेशंस, नेगेटिव एनर्जीज को से डील करते हुए इस जर्नी पे बहुत उतार चढ़ाव उनके आया, पर अल्टीमेटली शी गॉट द सक्सेस एंड द यूनियन। तो चलिए, उनकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव हुए थे, कौन कौन सी एनर्जीज ने उनको मैनिपुलेट किया था, और वो कैसे बाहर निकली, चलिए अब उनसे ही सुनते हैं और वीडियो को अंत तक देखकर उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। नमस्ते एंजल माँ, हेलो सोल फैमिली, मेरा नाम सिमरन है और आज मैं आपसे अपनी स्टोरी और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अब मैं अपना सोल पर्पस करूँ, ठीक है? और हाँ, तो 2019 में मेरी अवेकनिंग हुई, मेरे डीएम ने मुझे डीएम से मुझे सोल शॉप मिला। उसके बाद जो भी होता है इस जर्नी में वो सब हुआ। मैं पहले तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मैं एक ट्विन हूँ या इस जर्नी में हूँ, तो मैंने बहुत बार इस जर्नी को लेट गो किया। फिर मेरे सामने एंजल माँ का वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप अपना इनोवा कीजिए, अगर वो आपका ट्विन होगा तो आ जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं आएगा, और जो होगा वो आ जाएगा। तो मैंने उनकी बात को माना और जो उन्होंने बताया वो मैंने किया। और ये स्टार्टिंग की बात है, उस दिन एक्लिप्स था, उस दिन मेरी टीम का कॉल आया, जिन्हें मैं समझ रही थी उनका ही कॉल आ गया, और
फिर उसके बाद मैं माँ के साथ जुड़ गई, उनको सुनने लगी। उनके चैनल्स पे मुझे बहुत सुकून मिलता था उनकी बात को सुन के। और फिर क्या हुआ, फिर मुझ पे नेगेटिविटी के अटैक होना स्टार्ट हुए और माँ से मुझे बिल्कुल अलग कर दिया गया और मैं दूसरे चैनल्स पे चली गई, उनको सुनने लगी। फिर मैं पूरी तरह से नेगेटिविटी के ट्रैप में आ गई। एंजल माँ तक मुझे पहुँचने नहीं दिया जाता था, कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मैं उनसे दूर हो जाती थी। ऐसे ही चलता रहा, मेरी लाइफ में सुधार नहीं आ रहा था, चीज़ें ख़राब होने लगी। मैंने इस जर्नी को हल्के में लिया क्योंकि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। ठीक है, इनर वर्क नहीं किया, डिवाइन को, माँ को, जर्नी को, डीएम को, इनर वर्क को, खुद को, सबको जज किया और चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई। ठीक है, मेरा डीएम जो मुझसे बहुत प्यार करता है, शुरू से ही उन्होंने बहुत प्यार किया मुझे, वो हमारे रिलेशन में भी हैं। हमारी एक ही कास्ट है और हमारा जो रिलेशनशिप था वो 2015 में स्टार्ट हुआ, तो फिर सब कुछ अच्छा ही था। वो बहुत ही प्यार मुझसे करते थे, मैं भी करती थी और सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन किसी न किसी वही नेगेटिविटी की वजह से, जब तो पता भी नहीं था कि ये नेगेटिविटी क्या होती है, फिर भी उसकी वजह से मैंने उन्हें छोड़ दिया, उनसे मैंने खुद को उनसे अलग कर लिया। फिर उन्हें पर हम हमेशा बात करते थे पर मैं मिलने नहीं जाती थी उनसे। ठीक है, फिर अवेकनिंग के बाद तो जैसे मेरी नेगेटिविटी और ओवरथिंकिंग बढ़ गई थी और उसकी वजह से हमारे बीच सब ख़राब होना शुरू हो गया। मैं रात दिन अपने डीएम को एनर्जी देती थी। ठीक है, सोच सोच के, मतलब जैसे मामा ना करती हैं कि नहीं देना है, मेरा उल्टा ही हो जाता था। मेरी सोच सोच कर जैसे बताती हैं माँ कि ऐसे ऐसे जाती है, वैसे वैसे मेरी एनर्जी भी चली जाती थी। ठीक है, फिर एक वीडियो में मैंने सुना कि डीएम को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए, तो मैंने फिर वही किया, मैंने कहा मैंने भी नहीं दिया। ठीक है, फिर मुझे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, तो मैं माँ के वीडियो पे वापस आ जाती थी और उनको सुन के मुझे सुकून मिलता था, सब कुछ ठीक होने लग जाता था। फिर मुझे माँ के ख़िलाफ़ फिर से भड़काया गया, मैंने दूसरे चैनल्स पे फिर से मैं चली गई और वहाँ मैंने ये सुना कि कोई मेंटोर हमारी माँ नहीं बन सकती। ठीक है, तो मेरा भी, फिर मुझे भी बड़ी अजीब लगा, मैंने कहा हाँ सच बात है, कोई मेंटोर हमारी माँ कैसे हो सकती है। मैंने इस तरीके से मैंने भी सोचा, मैंने कहा सही बात है, पता नहीं सारी डीएफ एंजल माँ को माँ क्यों कहती हैं, मैम क्यों नहीं कहती। हाँ ये तो ठीक कह रही हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद तो इसी तरह सालों तक मेरे साथ यही होता रहा, माँ से मुझे बिल्कुल दूर रखा गया। फिर अब आप मेरा रिज़ल्ट देखिए कि ये सब करने के बाद क्या मिला मुझे। जिस डीएम ने मेरा सालों तक वेट किया, मैं उनसे मिलने जाऊंगी, वही सोचते थे, इंतज़ार करते थे मेरा कि मैं मिलने जाऊंगी, हमारा पहले जैसा रिलेशन होगा, हम साथ रहेंगे। उन्होंने शादी नहीं की, उनके बहुत से रिश्ते आए, उन्होंने सब मना किया, मेरी वजह से वेट किया उन्होंने मेरा, मैं जाऊंगी मिलने। पर मैं नेगेटिविटी के ट्रैप में इतना ज़्यादा आ चुकी थी, मेरी ओवरथिंकिंग इतना बढ़ चुकी थी कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ, आप सुनिए, ऐसे ही 3 साल तक ये सब चला मेरे साथ। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि 5 अक्टूबर को दशहरे वाले दिन मुझे पता चला कि मेरा डीएम किसी और के साथ है। मेरे डीएम ने मुझे खुद थर्ड पार्टी के बारे में बताया और उसी वक्त मेरी जान निकल गई, उसी वक्त मेरी अकल ठिकाने आ गई। मेरे डीएम ने मुझे उसके लिए के लिए मुझे बहुत भला बुरा बोला, मुझसे सब कुछ ख़त्म किया हमेशा के लिए और मेरा मेरा अल्लाह जानता है कि उस वक्त मुझ पर उस वक्त मुझ पर कयामत सी टूट पड़ी। उस दिन मैंने अपनी आँखों से कयामत को देखा जैसे मुझ पर बीती। ठीक है, क्योंकि मैं अपने डीएम से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने आज तक बचपन से लेकर अब तक मैंने अपने डीएम के अलावा किसी की तरफ नहीं देखा, मैंने अभी आज तक शादी नहीं की और ये सब बातें मेरे डीएम को भी पता है। इतने साल तक मैं भी डीएम के लिए ही वेट मैंने किया, मेरा डीएम भी सब बात जानता है। फिर जब सब ख़त्म हो गया तो मैंने बहुत हिम्मत रखी और वो सारी बातें मुझे उस वक्त एंजल माँ की याद आई, जो जो वो कहती थी अपने वीडियो में, जो जो वो बताती थी, वो सब बातें मुझे याद आ गई। और उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि आप जहाँ एनर्जी दोगे वहीं ग्रोथ होगी।
तो ये सच बात है, हम जहाँ एनर्जी देंगे वहीं ग्रोथ होगी और अपनी जर्नी को। फिर मैंने ये सब मुझे याद आया और मैंने अपनी जर्नी को एनालाइज़ किया, बैठकर एक एक गलती को अपनी चेक किया और फिर सबसे माफ़ी मांगी। उसके बाद मैंने उसी वक्त से ही मैंने अपना सीरियसली इनर वर्क शुरू किया और मैंने अपने डीएम को एनर्जी देना बंद किया। सबसे पहले तो जैसे भी मैंने दे रही थी, फिर मैंने फिर और एकदम ठान लिया कि अब जो हो गया वो हो गया, मेरी गलती की वजह से अगर ये हुआ है तो अब मेरी ही वजह से सब कुछ में ठीक भी होगा, ठीक है, ऐसा मेरा विश्वास था। फिर जब सब समझ आ गया तो मैंने फैसला किया कि अब मैं माँ का सेशन लूँगी। फिर मुझे फिर रोका गया, मुझे 10 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा और फिर मुझे मैं शहर से बाहर चली गई और मेरी हालत ऐसी थी कि सिर्फ जैसे सिर्फ शरीर है और मेरा दिल, मेरी जान दोनों मेरे अंदर से किसी ने निकाल ली, सच में। फिर उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। फिर उसके बाद 20 अक्टूबर को मुझे कहीं से पता चला कि मेरे डीएम की शादी तय हो गई है और फिर उसके फिर जो था मेरा फिर बुरा हाल हो गया। मैंने कहा ये अभी एक मतलब मैं अभी जो भी 5 अक्टूबर को जो हुआ वो तो अभी मुझसे झिला नहीं है ठीक से और ये दूसरा क्या है। और फिर मेरी बहुत बुरी हालत हो गई जब मुझे डीएम की शादी की खबर मिली। उसके बाद मेरा खुद को संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया। फिर मैंने मेरा बहुत मुश्किल से बहुत कोशिश के बाद मुझे एंजल माँ का सेशन मिला। 21 अक्टूबर को फाइनली मेरी माँ से बात हुई और मैंने उन्हें सब बताया। वो इतनी प्यारी हैं कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने क्योंकि मेरी हालत बहुत ही बुरी थी उस वक्त, उन्होंने मुझसे बात की, मुझे समझाया और सब एक एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने बताया मुझे कि आपकी ऑरा में जो है नेगेटिविटी बहुत बुरी तरह से चिपक गई और सच में यही था। फिर वहाँ से मिरेकल होना शुरू हो गए। फिर मैंने माँ का सिस्टमेटिक इनर वर्क लिया और उसे स्टार्ट किया पूरी उम्मीद के साथ कि अब मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारूंगी। और मैंने 23 तारीख से सिस्टमेटिक इनर वर्क को शुरू किया था। उसके मुश्किल से 10 दिन के बाद 2 नवंबर को मिरेकल हुआ और मेरे डीएम का कॉल आया, मैसेज आया, उन्होंने हमारी बात हुई और हमारी बात हुई फिर और उन्होंने मुझे सब बताया। उन्होंने कहा कि मैं उस जिसके लिए उन्होंने मुझे छोड़ा था, मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था और तो उसके बारे में मुझे बताया कि मैं उससे अपना पीछा छुड़वाना चाहता हूँ, उसने मुझे धोखा दिया है और वो अब किसी और के साथ है। और तो मुझे सच में यकीन ही नहीं हुआ सुन के कि ये क्या हुआ। फिर उसके बाद कि ये मैं ये सोचने लगी कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब जिसके खातिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, अब ये क्या। और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और फिर मैंने माँ से सब बात पूछ ही ली थी, माँ ने मुझे सारा गाइड कर ही दिया था पहले ही। तो हम 3 नवंबर को हमारा 7 साल के बाद फिज़िकल रीयूनियन हुआ और हम मिले और सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सिर्फ़ एंजल माँ की वजह से, उनके गाइडेंस की वजह से, उनके सिस्टमेटिक इनवर्क की वजह से, जिस पे कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं उसकी वजह से ही, उस सिस्टमेटिक इनवर्क की वजह से ही मेरी लाइफ में मिरेकल्स हुए, इतनी जल्दी चेंज आया और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। फिर माँ की वजह से अवेकनिंग के बाद पहली बार मेरे डीएम ने मैसेज करा मुझे और उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे मिस कर रहे हैं। ये 11/11 की बात है, मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया था तो आप सब ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स भी दी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि सच में ये क्या है। माँ ने इसको कम्युनिटी में शेयर किया और मेरा हर मैसेज जब मैं बताती हूँ वो सभी शेयर करती हैं। और फिर मैंने 5 दिसंबर को उनसे, क्योंकि उनका रिश्ता जो था वो तय हो चुका था, और उनसे 5 दिसंबर को मैंने लास्ट बात करके मतलब जब ही बात की उसके बाद मैंने फिर उनसे बात करनी बंद कर दी, फिर नहीं बात की। फिर उनकी
क्योंकि उनकी शादी थी, अब वो हो गई थी। उन्होंने मुझे सब बताया था जब मैं उनसे मिली थी, कि उन्होंने कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि मैं सुसाइड कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं नहीं करना चाहता। उनका उनकी फैमिली का बहुत उन पर प्रेशर था कि उन्हें ये शादी करनी है, तो उन्होंने किया। और दिसंबर में उनकी शादी हो गई, ठीक है। और मैं माँ के साथ जुड़ी रही, मुझे उस वक्त माँ की गाइडेंस और सिस्टमेटिक इन वक्त ने संभाला। अगर ये नहीं होता तो सच में पता नहीं मेरा क्या होता। मैं बहुत ही बैलेंस थी और अपना बिना कुछ सोच अपना इनवक करती रही, ठीक है। और फिर 26 जनवरी को मेरे डीएम का कॉल आया, मैसेज आया, खुद ही उन्होंने किया। और उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। और वो मेरे घर तक आने के लिए तैयार हो गए मुझसे मिलने के लिए। लेकिन मैंने वही किया जो माँ ने मुझे गाइड किया था कि उस वक्त मुझे क्या करना है, तो मैंने वही किया, ठीक है। मैंने अपना जर्नी पे ही अपना सारा फोकस रखा, मैंने उनको बिल्कुल एनर्जी नहीं दी। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हमारा रीयूनियन हो जाता है तो हम फिर सब कुछ भूल जाएं, हमें भूलना नहीं है, हमें हमारा जो है इनवक अपना कंटिन्यू रखना ही है और अपनी जर्नी पर फोकस रहना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे सब मैंने फिर अब मैंने आगे सब डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, आगे सब अच्छा होगा मुझे पता है। और तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इस जर्नी पर। और अब मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग माँ के चैनल को और उनके सिस्टमेटिक इनवक को जज कर रहे हैं, प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ हमारा ही नुकसान होगा, है ना। आप लोग डिटैचमेंट में रहिए, इनवक कीजिए, और प्लीज़ अपने डीएम को, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने घर को प्रोटेक्शन हर रोज़ दीजिए। और ये मेरा एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, एक साल का नहीं, पूरे 3 साल का एक्सपीरियंस है। और अब मैं आप सबके लिए रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हम सबको, सभी डिवाइन फैमिली सभी को ही गलतियों से बचाएं और सही रास्ता दिखाएं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग, अगर आप मैरिड हैं डीएफ, और या आपके डीएम मैरिड हैं या नहीं हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, आपको इस जर्नी को, इस जर्नी पर चलना है अच्छे से और इनवर्क करना ही है, प्रोटेक्शन देना है, एंजल माँ को, उनकी गाइडेंस को फॉलो करना है, अच्छे से उनको सुनना है। तो मुझे तो एंजल माँ पर, उनके इनवक पे, उनके चैनल पे पूरा भरोसा है, मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और अब वो जो भी कहती हैं, जो भी बताती हैं, वैसा ही होता है और वही सच्चाई है इस जर्नी की, जो मैंने अपने ही जर्नी में देखा है, जो जो उन्होंने कहा है वो सब हुआ है। और जिनके पास अभी सिस्टमेटिक इनवक नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब मैंने सेशन लिया था, मेरे पास सच में 1 रुपया भी नहीं था। मैंने इतना मैंने प्रेयर किया कि मुझे चाहिए, मुझे माँ से बात करना है, मेरी बात आप करवाइए यूनिवर्स, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने ऐसे करके बहुत प्रेयर किया और मैंने अर्जेंट सेशन बुक किया था सीरियसली, और माँ से बात की, और फिर और उनका सिस्टमेटिक इनवक भी लिया। अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये कहाँ से कैसे होगा, तो ये आपका काम नहीं है, बस आप एक इंटेंशन सेट कीजिए कि हाँ, हमें माँ का सिस्टमेटिक इनवक चाहिए। हाँ, हमें देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके हमारे साथ अगर कुछ बुरा होगा जब भी हम ऐसा करेंगे। देखिए, मैं पहले भी तो सेशन ले सकती थी ना, लेकिन मैंने, जब मेरे बीत गई, मुझ पर एकदम आ पड़ी जब मैंने सेशन लिया, मैं पहले भी तो बात कर सकती थी। मैंने ऐसा नहीं है, मैंने बहुत पहले भी कोशिश की थी, और माँ ने जब सिस्टमेटिक इनवक लॉन्च किया था, मैंने तब भी उनसे कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन मैं फिर वही, मेरे साथ फिर से सेम रिपीट हो गई मिस्टेक, और मैंने दूसरे चैनल को सुन के उनका जो था इनवक नहीं लिया। और ये बात मैंने सब माँ को शेयर की है, उनको भी बताया है। तो जो भी डीएफ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से अपना इनवक कीजिए, और अगर आप प्रेयर कीजिए, आपको ज़रूर उनका सेशन मिलेगा। और ये तो मिराकल ही है, उनसे बात करते ही लाइफ में चेंज आता है। मेरी लाइफ जो इतने सालों से सेम रिपीट हो रही थी सिचुएशंस, वो अपने आप सॉल्व हो गई। आज मैं एकदम बैलेंस हूँ, पीस में हूँ, और मैं ज़िंदगी जीना ऐसे जैसे सीख रही हूँ, सीख गई हूँ,
अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ सच में। मेरे घर में भी अब पहले जैसा कुछ नहीं है, अब बहुत अच्छा है। मेरी फैमिली में भी सब कुछ पहले तो अब आप लोग, हाँ तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मिस गाइड मत होइए, अपना ही नवा कीजिए अच्छे से और खुश रहिए, और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, अपना प्यार दीजिए, आगे सब अच्छा हो, सब ठीक हो। और थैंक यू सो मच एंजल माँ, आपकी वजह से, आपके सिस्टमेटिक इनोवा की वजह से जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, उस इनोवा की वजह से मेरी लाइफ में चेंज आया है। मेरी लाइफ में इतने सारे मिरेकल हुए हैं, आज मैं अपने डीएम के साथ रीयूनियन में हूँ और मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि मैं अब सब जगह अनब्लॉक हूँ। मैं जब चाहूँ अपने डीएम से बात कर सकती हूँ, मैं जब चाहूँ उनसे मिल सकती हूँ, लेकिन अभी मैं अपने जर्नी पर फोकस हूँ इसलिए मैं अभी नहीं मिल रही। और हाँ एक चीज़ और, जब माँ ने मुझे बताया था कि आपके और हमें नेगेटिविटी चिपक गई है, तो मैंने उस वक्त उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि आप आयतें पढ़िए, तो मैंने अपना एनर्जी को बहुत ज़्यादा क्लियर किया था जैसे जैसे मैं कर सकती थी। मैंने 5 टाइम की नमाज़ शुरू की थी, और क्योंकि जब हम वज़ू बनाते हैं तो उस चीज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो मैंने नमाज़ पढ़ी बहुत बहुत ज़्यादा, अपना बहुत ज़्यादा बहुत काम किया, बहुत इनोवा किया अच्छे से। तो यही मैं बताना चाहती थी, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको इससे बहुत क्लैरिटी मिली होगी, बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल माँ, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।